बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जाने से पहले बहुत डर थे, बहुत अप्रिहेंशन थी, बट आने के बाद सबको एक बार जाना चाहिए. इफ़ हुएवर इज़ गेटिंग अ चांस, प्लीज़ डोंट से नो. चाहे चोटें लगती हैं, चाहे बहुत सारी हड्डियों में भी दर्द था काफ़ी टाइम तक, पर मैं उसके बाद भी बोल रही हूँ इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. एंड मैंने जितने मज़े किए हैं, कितनी भी चोटें लगने के बाद, और बहुत बुरी हालत हो गई थी, सो जाती थी पता नहीं कितने कितने घंटे, पर उसके बाद भी इट वॉज गुड. या मतलब डर पूरी तरह गायब हो गया हुआ कीड़े मकोड़ों का, जो आपने पहले कहा था कि मुझे बहुत डर लगता है. यार वो डर कभी गायब नहीं हो सकता. मतलब मेरे ऊपर सांप भी छोड़े, मेरे क्या 12 कंटेस्टेंट्स के ऊपर सांप भी छोड़े गए. हमने क्रोकोडाइल को भी, जितना मैं क्रोकोडाइल के टाइम पे रोई हूँ ना, मैंने पूरे शो पे नहीं रोई. बट लेकिन वो डर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप वो जो स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हो वो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर है, राइट. लेकिन अब असली में मेरे सामने सांप आ जाएगा थोड़ी ना, मैं उसको जाके उठा लूँगी. सो ऐसे नहीं होता है, बट वहाँ जितना भी था इट वॉज ऑल रियल. रोए तो सीरियसली देख के डर लगा, और हंसे तो हंसे, मतलब बहुत बहुत फन था. इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. आज भाग बदल पे आप आई हो तो कितनी मस्ती है? मस्ती यार पहली बार है, और दो सीन से मैं ऐसे प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए कभी किसी शो पे गई नहीं हूँ, बट आज मुझे लग रहा है कि एज नी आई हैव कम. सो अच्छा है, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस. बट खतरों के खिलाड़ी का ही प्रमोशन है, सो आई एम ग्लैड. अच्छा, आई मीन द वे दे आर प्रमोटिंग इट. सो यार आई नो, मैं जाने से पहले अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी, बट आने के बाद ये पोस्ट शो एक्सपीरियंस है, एंड इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम. और मैंने बहुत मज़े किए हैं, एंड यू शुड वॉच माई जर्नी. वो भी किसी स्टंट से कम नहीं थी. सो इट वॉज गुड. लास्टली लुक के बारे में अगर बात करें, मैं कब वाइट में नजर नहीं आती. आई थिंक बाय नाउ सबको पता है, यू नो, मैं किसी पार्टी में भी जाती हूँ, कुछ भी, आई डोंट नो, सडनली मैं अभी अपने हैंगर्स भी देखती हूँ, सब मैं वाइट 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 वाइट. आई डोंट नो, आई समहाउ लाइक इट, क्योंकि पिक्चर्स में अगर 5 लोगों ने ब्लैक पहने तो एटलीस्ट मेरा वाइट स्टैंड आउट होता है. सो मेरा से वो पॉइंट है. एंड आई डोंट नो, आई मीन अ फेज ऑफ वाइट राइट नाउ. सो अलग लुक नहीं है कुछ, इज जस्ट माई ओन क्लोथ, बिकॉज बहुत कैजुअल लुक रखा था क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटी है. सो आई हैवंट डन मच एक्चुअली. सो थैंक यू.